क्लास 7 मैथ्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 4। नंबर 2 14 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 6। नंबर 3 8 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन में 3। तो कैसे करेंगे इसको, 12 कुछ नंबर नहीं लिखा होता तो हम क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। 3 अपॉन में 4, डिवाइड का निशान अगर बीच में है तो उसमें हम मल्टीप्लाई लगा देते थे और नीचे का नंबर जो सामने होता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, तो हमने कर दिया ऐसे, अब सामने के सामने से मल्टीप्लाई और उसको 12 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई सेम टेबल से ऊपर कट रहा हो तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 और नीचे है 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया, 16 अपॉन में 4, 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सीधा इसको 16 होल नंबर आंसर लिख सकते हैं। सेम इसको भी इसी प्रोसीजर से करना है, 14 अपॉन में लिखा 1, डिवाइड का निशान लगाया 6। अब 14 इस साइड का नंबर सेम रहेगा, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई चेंज किया है, क्योंकि हमने डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई को चेंज किया है तो नंबर भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर ऊपर चले जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कोई सेम टेबल से कट नहीं रहा है, तो इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 14 6 जा 84 अपॉन में 5। सेम इसके साथ भी ऐसे ही करना है, 8 अपॉन में 1 डिवाइड 7 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7, रेसिप्रोकल हो गया ये, और अब सामने के सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 7 जा 7। ठीक है, नेक्स्ट 4th 5th 6th क्वेश्चन, इसमें भी डिवाइड ही करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। ठीक है, 4 अपॉन में 1 डिवाइड 8 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि निशान हमने चेंज कर दिया है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर बचे हैं 1 एंड 3 और नीचे 1 एंड 2, 3 2, 3 अपॉन में 2 आंसर। 3 अपॉन में 1 मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने निशान चेंज कर दिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 7, 9 अपॉन में 7। सेम यहाँ पर करना है, 5 अपॉन में 1 डिवाइड 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25 अपॉन में 7, 5 अपॉन में 1 7 अपॉन में 25, 5 के टेबल से इसको काट सकते हो, कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 5, 7 अपॉन में 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 3 अपॉन में 7, 5 अपॉन में 8, 9 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 5 एंड सो ऑन, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, पहले इनको रेसिप्रोकल करना है और फिर बताना है कि ये फ्रैक्शन कौन से वाले फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले इसको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मींस रेसिप्रोकल मींस इसको उलट दो, नीचे का नंबर ऊपर ले जाओ, तो नीचे 7 था ऊपर लिख दिया, ऊपर 3 था नीचे लिख दिया, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7 अपॉन में 3। अब 7 अपॉन में 3 क्या है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है, कैसा फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर नंबर
बड़ा है और नीचे छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसको भी रेसिप्रोकल करना है। ऐसी इसमें देखो, इसमें भी नीचे का नंबर छोटा है, ऊपर बड़ा है, तो ये भी सेम क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका रेसिप्रोकल करो, 7/9, 9 नीचे बड़ा है, ठीक है, ऊपर छोटा है, तो कौन सा फ्रैक्शन बन गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। सिक्स अपन में फाइव का रेसिप्रोकल होता है 5/6, और क्योंकि नीचे नंबर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट 12/7, उसका रेसिप्रोकल होगा 7/12, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/8 रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/1, जिसके नीचे 1 होता है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 8 क्या है, होल नंबर है। 1/11 रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/1, क्योंकि नीचे 1 है तो ये भी होल नंबर है। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें भी तुम्हें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 7/3 / 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/3 / 2/1, और 7/3 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई का निशान चेंज किया है, तो सामने का नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, यानी 7 × 1 = 7, 3 × 2 =, ठीक है, 7 × 7, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, सेकेंड में दिया है 4/9 / 55, तो 4/9 डिवाइड लगाओ, 5 के नीचे 1, 4/9 डिवाइड से अगर हमने मल्टीप्लाई का निशान चेंज कर दिया तो सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 9 को 5 से, तो 4 × 1 = 4, 9 × 5 = 45। सेम ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। 6/13 × 1/7, 6 × 1 = 13, 7 × 1 = 6/91। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, 12 + 1, 13/3 / 3, 13/3 × 1/3, तो 13 × 13 = 13, 3 × 3 = 9। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है पहले, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2 / 4, 7/2 × 1/4, 7 × 2 = 4 = 8। मिक्स फ्रैक्शन है, फिर चेंज करो इसको, 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 31, 31/7 × 1/7, 31/7 = 49। क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइंड है, उसमें भी वही है, डिवाइड करना है। ठीक है, 2/5 / 1/2, फर्स्ट पार्ट है इसका। 2/5 डिवाइड की जगह हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब सामने के सामने मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5। सेम ऐसे ही करना है इसको भी, 4/9 × नीचे का नंबर गया ऊपर। अब यहाँ पर सेम नंबर अगर कटता है तो पहले काट लेते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया, 2 × 1 ऊपर आ गया, 3 × 1 नीचे आ गया, 2/3, 3/7 मल्टीप्लाई 7/8, ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 3/8 आंसर। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लो, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3, ठीक है, अब इसको चेंज रेसिप्रोकल करा,
कितना आ गया 7 5 35 और नीचे आ गया 9। ठीक है, अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है, 3 2 6 + 1 7। सामने वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 / 5 मल्टीप्लाई, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, 2 1 2 + 1 3, 3 / 2 इसको चेंज करेंगे 2 / 3 आ जाएगा, 2 2 = 4 5 3 = 15। पहले इसको भी मिक्स से चेंज करो, पहले 5 3 = 15 + 1 16 / 5 डिवाइड, 3 1 = 3 + 2 5 / 3 16 / 5 मल्टीप्लाई 3 / 5 16 3 कितना होता है 48 और 5 5 = 25। सेम इसको भी पहले चेंज करते हैं, 5 2 = 10 + 1 11 / 5 5 1 = 5 + 1 6 / 5 11 / 5 मल्टीप्लाई 5 / 6 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा 11 / 6 आंसर। बच्चों 2.4 आपको क्लियर हो गई होगी, आगे भी मेरी वीडियोस देखना है और पीछे की भी, पहले की भी मेरी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।